तो आज शुरू करते हैं हम लोग। इसमें हेडिंग दी है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, है ना। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज हेडिंग कुछ लिखेंगे नहीं, केवल सुनेंगे क्या है आखिर एक्सचेंज ऑफ गैसेज में। तो हम लोग आज पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एक्सचेंज ऑफ गैसेज का मतलब भी आपको समझ में आना चाहिए, और इसमें कुछ क्वेश्चन डिजाइन होते हैं, तो डिजाइन क्वेश्चन भी आपके क्लियर हो जाने चाहिए कि आखिर कौन कौन सी चीज़ पूछी जाती है। तो डायग्राम से ही आपको समझ में आएगा कि आखिर एक्सचेंज ऑफ गैसेज का क्या मतलब है। तो पहले इसका डायग्राम देखते हैं। देखिए होता क्या है कि मान लेते हैं कि ये एल्वियोलाई है, ठीक है, और एल्वियोलाई पर ब्लड आता है। तो जो एल्वियोलाई पर ब्लड आता है वो होता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इधर से अगर ब्लड आएगा वो डी ऑक्सीजनेटेड होगा, और जो इधर जाएगा वो ऑक्सीजनेटेड होगा। लेकिन डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आया है? तो वास्तव में ये टिश्यू से आया है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा कहाँ? तो जाएगा भी कहाँ? ये टिश्यू को ही जाएगा। अब हुआ क्या है कि मान लेते हैं कि ये पर्टिकुलर टिशू की कोई पर्टिकुलर सेल है, या पर्टिकुलर टिशू ही मान लेते हैं। तो स्ट्रक्चर देखें कौन कौन से हमने इसे बना दिए हैं। स्ट्रक्चर में हमने ये बना दिया है एल्वियोलाई, ये ब्लड लेके जा रही है टिशू को, तो इसका मतलब ये आर्टरी है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और ये ब्लड लंग्स। मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि इसमें होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसमें होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आया है उसमें O2 भी होता है, CO2 भी होता है। तो इसमें जो CO2 होता है, इसमें CO2 भी होता है और O2 भी होता है। इसमें जो CO2 होता है उसका पार्शियल प्रेशर 45 होता है, और O2 का पार्शियल प्रेशर 40 होता है। और जो ब्लड यहाँ आया है, मतलब इधर से जो इधर आया होगा वो ऑक्सीजनेटेड होगा, इसमें भी O2 होगा और इसमें भी क्या होगा? CO2 होगा। इसमें जो O2 होता है वो 95 mmHg पर होता है, और जो CO2 होता है वो 40 होता है। ये टिशू है, और टिशू के अंदर भी क्या होता है? टिशू के अंदर O2 भी होता है और टिशू के अंदर CO2 भी होता है। यहाँ जो O2 होता है वो 40 mmHg पर होता है, और जो CO2 होता है वो 45 mmHg पर होता है। ये एल्वियोलाई है, यहाँ पर भी O2 होता है और यहाँ पर भी CO2 होता है। O2 जो है वो 104 mmHg पर है, और जो CO2 है वो 40 mmHg पर है। तो काम की बात जरा देखें क्या क्या है। काम की बात यह है कि पार्शियल प्रेशर किसका कितना होता है। पार्शियल प्रेशर करने से पहले दो तीन बातें और समझ लीजिए। एक्सचेंज शब्द हम तब कहते हैं, जैसे कोई सामान आप बदलने जाते हो तो करते क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने पुराना कुकर दे दिया, नया कुकर ले लिया। एक्सचेंज का मतलब है कुछ देना और बदले में कुछ लेना। तो यहाँ भी एक्सचेंज का मतलब देखो क्या है। होता क्या है, एल्वियोलाई की सरफेस पर, जो ऑक्सीजन है वो निकल के आती है किसमें? ब्लड में। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकल के जाती है कहाँ? CO2 से, एल्वियोलाई में। तो होता क्या है, ब्लड ने O2 लिया है और ब्लड में CO2 दे दिया है, इसका मतलब ये क्या हो गया? एक्सचेंज हो गया। यहाँ देखो टिश्यू की सरफेस पर O2 निकल के टिश्यू में आएगा और CO2 निकल के ब्लड में जाएगा। तो देखो यहाँ भी क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ ब्लड O2 दे रहा है और ब्लड CO2 ले रहा है।
तो ब्लड भी यहाँ एक्सचेंज कर रहा है। एक्सचेंज का मतलब ही होता है कि कुछ दो और बदले में कुछ लो। जैसे यहाँ ब्लड में ओ टू आया है तो ब्लड से सी ओ टू चला गया है, यहाँ ब्लड से ओ टू गया है तो ब्लड में सी ओ टू आ गया है। ये भी एक्सचेंज है, ये भी एक्सचेंज है। तो पहला सवाल तो यही पूछता है कि एक्सचेंज कहाँ कहाँ होता है, तो आप आंसर क्या दोगे? एक्सचेंज कहाँ कहाँ होता है? अगर आप कहोगे एक्सचेंज ऑफ ओ टू और सी ओ टू एट, तो इसकी दो जगह है। कहाँ? एक तो होता है एल्वियोलाई पर, और किसके किसके बीच होता है? ब्लड और एल्वियोलाई के बीच। और दूसरा कहाँ होता है? टिश्यू पर, वो भी किसके किसके बीच? ब्लड एंड टिश्यू। डायग्राम जरा फिर से, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि एक्सचेंज कहाँ कहाँ हो रहा है, तो देखो दिख रहा है ये एक्सचेंज हो रहा है किसके बीच? एल्वियोलाई और ब्लड के बीच। और ये भी एक्सचेंज हो रहा है किसके बीच? ब्लड और टिश्यू के बीच। तो जैसे आप कहोगे एक्सचेंज दो जगह होता है, वैसे ही एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ ओ टू सी ओ टू कौन सी है, प्रमुख साइट कौन सी है। तो जरा देखो, अगर हम ये एक्सचेंज बंद कर दें तो ये एक्सचेंज अपने आप बंद हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज, तो प्राइमरी साइट कौन सी दोगे? तो यही आंसर दोगे, यही क्या है, प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज ऑफ गैसेज की प्राइमरी साइट कौन सी है? आंसर देंगे एल्वियोलाई और ब्लड, या ब्लड और एल्वियोलाई के बीच में जो हो रहा है। वो अलग मसला है कि कहाँ होता है, ब्लड और टिश्यू पर भी होता है। वापस आते हैं, फिर से देखते हैं। पहला सवाल ये है कि एक्सचेंज क्या है, तो आप कहोगे जब कभी एल्वियोलाई से ओ टू निकल के ब्लड में, या ब्लड से सी ओ टू निकल के एल्वियोलाई में, या ब्लड से ओ टू निकल के टिश्यू में और टिश्यू से सी ओ टू निकल के ब्लड में आए, तो इसी को हम एक्सचेंज ऑफ गैसेज या एक्सचेंज ऑफ ओ टू और सी ओ टू कहते हैं। ये एक बात हो गई। अब दूसरी बात देखते हैं। दूसरी बात ये है कि आखिर क्यों ओ टू यहाँ से यहाँ आएगी, या सी ओ टू यहाँ से यहाँ जाएगी, कोई ना कोई तो कारण होगा। या क्यों ओ टू ब्लड से निकल के यहाँ आएगी, या क्यों सी ओ टू टिश्यू से निकल के ब्लड में आएगी, कोई ना कोई तो कारण होगा ही। तो जरा कारण देखो, यहाँ एक्सचेंज हो रहा है उसके पीछे असली वजह है पार्शियल प्रेशर में अंतर। देखो यहाँ पार्शियल प्रेशर क्या है ओ टू का 104, और यहाँ कितना है 40, इसका मतलब यहाँ ज़्यादा है यहाँ है, तो ओ टू यहाँ से यहाँ आएगी। सी ओ टू देखो यहाँ कितने पर है 45 पर, और यहाँ कितने पर है 40 पर, यहाँ ज़्यादा यहाँ कम, इसका मतलब यहाँ से यहाँ जाएगा। तो तुरंत क्वेश्चन पूछेगा कि एक्सचेंज किस चीज के नाते होता है, तो आप कहोगे प्रेशर ग्रेडियंट के नाते, या क्या कहोगे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के नाते, पहला सवाल। दूसरा सवाल याद है, रटना है आपको, कि यहां से यहां बताओ आएगा तो पैसिव आएगा कि एक्टिव, यहां ज्यादा प्रेशर है यहां कम प्रेशर है, तो ज्यादा से कम तो अपने आप आएगा मतलब पैसिव होगा, यहां ज्यादा है यहां कम है, यहां से यहां क्या जाएगा अपने आप जाएगा, तो फिर क्या होगा पैसिव। और पैसिव जब डिफ्यूजन होता है, इसको सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं ना, तो क्वेश्चन पूछेगा एक्सचेंज ऑफ गैसेज में प्रोसेस कौन सी है, तो आंसर हम लोग देंगे सिंपल डिफ्यूजन या पैसिव डिफ्यूजन। तो फिर दो सवाल याद करना आपको। एक्सचेंज ऑफ गैसेज किसके नाते होता है? ड्यू टू, आंसर देंगे ग्रेड ना मिले तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। किसके नाते होता है? प्रेशर ग्रेडियंट, या क्या कहोगे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एक क्वेश्चन, दूसरा देखो किस प्रोसेस के द्वारा होता है, तो आंसर देंगे सिंपल डिफ्यूजन, आंसर देंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। सिंपल डिफ्यूजन या पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? जैसे हम डिफ्यूजन कहेंगे वैसे एग्जामिनर तुरंत पूछेगा
कि जब कभी गैसेज का डिफ्यूजन होता है तो उसका कोई ना कोई रेट होता है, तो फिर पूछेगा रेट ऑफ डिफ्यूजन। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है किसका, चाहे किसका हो O2 का और चाहे किसका हो CO2 का, ये किस बात पर डिपेंड करेगा? तो O2 और CO2 का डिफ्यूजन किस बात पर डिपेंड करेगा, तो ये भी आपको बताना पड़ेगा। देखो किस पे बताना पड़ेगा, देखें क्या है, ये याद रखिएगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन तीन बातों पर डिपेंड करता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन तीन बातों पर डिपेंड करता है। सबसे पहली जो बात होती है उसका नाम है प्रेशर ग्रेडियंट। लेकिन दो और बातें हैं जिस पर डिपेंड करता है, दूसरा है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज और तीसरा है थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। ये अभी आप रटेंगे, आगे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है और ये क्या है। लेकिन सबसे काम की बात है, मान लेते हैं क्वेश्चन आ जाए रेट ऑफ डिफ्यूजन किस पर डिपेंड करता है और आंसर मिल जाए आल, तो आप आल लगा देंगे। लेकिन अगर आल आंसर नहीं मिलेगा तो हमको चूज करना पड़ेगा ना, और अगर चूज करना पड़ेगा तो कौन सा आंसर लगाओगे? तो मेन फैक्टर यही है, मेन यही है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 या CO2 या रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज किस पर मेनली डिपेंड करता है, तो आंसर क्या देंगे? प्रेशर ग्रेडियंट। तो मेन चीज प्रेशर ग्रेडियंट ही है, तो हमको एक्सचेंज से अगर कोई सवाल एग्जाम में आएगा तो फिर वो प्रेशर ग्रेडियंट से ही आएगा। और अब हमको प्रेशर ग्रेडियंट देखना है, देखो जरा प्रेशर ग्रेडियंट क्या है। पहले तो आप पार्शियल प्रेशर समझ लीजिए, केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया गया होगा कि यदि किसी कंटेनर में दो या दो से ज्यादा गैसेज होती है, जैसे यहां पर एल्वियोलाई में दो गैस हैं O2 और CO2, ब्लड में भी दो गैस हैं, कौन सी? O2 और CO2। तो जब कभी किसी पर्टिकुलर जगह दो या दो से ज्यादा गैसेज होती हैं तो किसी एक गैस का जो प्रेशर होता है, किसी एक गैस का जो प्रेशर होता है उसको कहते क्या है? पार्शियल प्रेशर। जैसे यहां पर O2 भी है और यहां पर CO2 भी है, तो यहां पर हमको ये पता होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? PO2 कहते हैं। और अगर CO2 का पूछेगा तो क्या कहोगे? PCO2 कहोगे। तो जहां जहां लिखा है, जितनी वैल्यू आज लिखी है इसमें, ये सब पार्शियल प्रेशर लिखी है। O2 जहां लिखा वो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 लिखा है, और जहां CO2 लिखा वो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 लिखा है। और पार्शियल प्रेशर का मतलब क्लियर है, जब किसी कंटेनर में दो या दो से ज्यादा गैसेज होती हैं तो किसी एक इंडिविजुअल गैस के प्रेशर को हम लोग कहते क्या है? पार्शियल प्रेशर। जैसे O2 के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, और लिखोगे कैसे? PO2। और CO2 के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, लिखो कैसे? PCO2 लिखोगे। तो ये तो केमिस्ट्री का है, इसको केमिस्ट्री से ही याद रखिएगा, यहां से कोई मतलब नहीं है, बस एनसीईआरटी में लिखा है तो बता दिया केवल। अब यहां जरा देखिए, हम लोगों के एल्वियोलाई में भी O2 CO2 दोनों है। जो ब्लड इधर से आया है बेटा बताओ कौन सा है? जो ब्लड आया है वो कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड। इधर है वो कैसा है? ऑक्सीजनेटेड। तो ब्लड चाहे डीऑक्सीजनेटेड हो चाहे क्या हो, ऑक्सीजनेटेड हो, दोनों में O2 होता है और दोनों में क्या होता है? CO2 होता है। तो यहां भी क्या होगा? यहां भी होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। और यहां भी क्या होगा? यहां भी होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। बस वैल्यूज हमको याद रखनी है।
पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 की कितनी वैल्यू होती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की कितनी वैल्यू होती है, ये हमको याद रखना पड़ेगा। तो याद करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जो वेन में ब्लड होता है इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 होता है 40 और CO2 होता है 45। इधर आ जाओ, जो आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड होता है उसमें O2 होता है 95 और CO2 होता है 40। ठीक है, अब जरा डाटा याद करो। देखो, अगर क्वेश्चन पूछे हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 बताओ, तो सिर्फ O2 बताइएगा। O2 एल्वियोलाई पर 104, जो आया है वो कौन सा ब्लड है, डी ऑक्सीजनेटेड, कितना 40, और जो गया है वो कैसा है, कितना है 95। यही तो यहाँ पहुँचा है बेटा, यही तो यहाँ पहुँचा है, इसी नाते O2 इसमें कितना है 95, और उसी समय टिशू पर O2 कितना है 40 है। जरा CO2 का बताओ, टिशू पर 45, जो ब्लड आया था वो कैसा था, उसमें कितना था 40, और जो ब्लड गया है उसमें कितना हो गया 45, जो यहाँ आया है वो डीऑक्सीजनेटेड है उसमें कितना है 45, और एल्वियोलाइम कितना है 40 है। तो जरा टेबल देख लेते हैं, अगर आपसे ये टेबल बनवा ले पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 की, तो देखो O2 की कहाँ पार्शियल प्रेशर आपको बताना होगा, तो चार पांच जगह बताना है। एक तो बताना है एटमॉस्फेरिक एयर में, एक बचाना है एल्वियोलाई पर, एक बचाना है डीऑक्सीजनेटेड। एनसीईआरटी में किस क्रम में दिया है जरा देखो बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और एक किस में दिया है, और एक किस में दिया है टिश्यू, इतनी वैल्यू दी है। तो देखो O2 होता है कितना 159, सब सारी एल्विलाई पर कितना होता है, यहाँ कितना होता है डीऑक्सीजनेटेड में 40 होता है, ऑक्सीजनेटेड में 95 होता है, और टिश्यू में 40 होता है। और अगर हम CO2 का लिखें तो एटमॉस्फेयर में होता है 0.3 एल्वियोलाई पर, 40 डी में कितना 45, ऑक्सीजन में कितना 40, और टिश्यू में कितना 45। अब ध्यान से देखिएगा, ये टेबल तो एनसीईआरटी में हुई है, इसमें कोई खास बात नहीं बता दी आपको। ठीक, खास बात क्या है आपको याद ये रखना है, सिर्फ ये डायग्राम अगर आपको याद रहेगा तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। क्या क्या है देखिएगा ध्यान से, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सिर्फ O2 का पार्शियल प्रेशर बताओ, तो एटमॉस्फेयर का तो छोड़ दीजिए, एटमॉस्फेयर में कितना है 159, एल्वियोलाई पर कितना है 104, डी ऑक्सीजनेटेड में कितना है 40, ऑक्सीजन में कितना है 95, और टिश्यू में कितना है 40। तो जरा O2 को सिर्फ ध्यान से देखें, तो यहाँ O2 देखो ज़्यादा है, यहाँ O2 क्या है कम, तो यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ O2 क्या है और यहाँ क्या है, तो यहाँ से यहाँ जाएगा। तो अगर हम सिर्फ O2 का पार्शियल प्रेशर देखें, CO2 का ना देखें, O2 का, तो O2 कहाँ से कहाँ जाएगी, तो O2 जाएगी एल्वियोलाई से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर ब्लड से कहाँ जाएगी टिश्यू में, पहले कहाँ से आएगी एल्वियोलाई से ब्लड, और ब्लड से टिश्यू। और CO2 का जरा ध्यान से देखो, यहाँ कितना है 45, यहाँ कितना है 40, तो यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ कितना है 45, यहाँ कितना है 40, यहाँ से यहाँ जाएगी। तो टिश्यू को सिर्फ देखो या CO2 को देखो, 45 से 40 मतलब टिश्यू से ब्लड, और फिर 45 से 40 मतलब ब्लड से एल्वियोलाई। तो अगर आपसे मोटा मोटा पूछे, टिप पे याद करिए, O2 का पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई पर 104, डी ऑक्सीजनेटेड में 40, ऑक्सीजनेटेड में 95, टिश्यू पर 40, तो O2 कहाँ से कहाँ से कहाँ से कहाँ जाएगी, तो एल्वियोलाई से ब्लड, और ब्लड से टिश्यू, और CO2, तो CO2 का पार्शियल प्रेशर देखो,
CO2 का परसेंट प्रेशर टिश्यू पर कितना 45। CO2 का याद करना बहुत आसान, दो ही वैल्यू हैं, या तो 45 या तो 40। CO2 का टिश्यू पर 45, उसके बाद ब्लड में 40, फिर ब्लड में 45 और फिर टिश्यू में कितना 40। ये तो है टिश्यू का, देखो यहाँ टिश्यू में कितना 45, ऑक्सीजन में कितना 40, फिर डी ऑक्सीजन में कितना 45, फिर एल्वाइम कितना 40। तो अगर इस टेबल को देखें, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि O2 कहाँ से कहाँ जाएगी, तो देखो O2 कहाँ से कहाँ जाएगी, O2 एल्वियोलाई से निकल के जाएगी कहाँ, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड से निकल के जाएगी कहाँ, टिश्यू में। O2 कहाँ से कहाँ, एल्वियोलाई से ब्लड, और ब्लड से टिश्यू। और CO2 देखो, CO2 चलेगा टिश्यू में, आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और फिर CO2 यहाँ से कहाँ जाएगा। तो CO2 कहाँ से कहाँ चला, टिश्यू से ब्लड, और ब्लड से एल्वियोलाई, और O2 एल्वियोलाई से ब्लड, और ब्लड से टिश्यू। तो हमको सिर्फ याद रख लेना है कि किसका पार्शियल प्रेशर कितनी है, वैल्यू रटी होनी चाहिए, आराम से बताएंगे। O2 का सिर्फ बताएंगे एटमॉस्फेयर में 159, एल्वियोलाई में 104 या 104 हो गया, उसके बाद डी ऑक्सीजनेटेड में 40, ऑक्सीजनेटेड में 95, टिश्यू में 40। अगर हम सिर्फ O2 का ही पार्शियल प्रेशर देखें तो पता चलेगा कि O2 कहाँ से कहाँ से कहाँ जा रही है। तो कहाँ से कहाँ जा रही है, एल्वियोलाई से ब्लड, और ब्लड से टिश्यू। और CO2 टिश्यू से ब्लड, और ब्लड से एल्वियोलाई। और ये डाटा आप याद रखिए, चूँकि डाटा कई बार नीट में पूछा जा चुका है। ठीक है, वापस देखते हैं जरा। अब मोटा मोटा हमने आपको क्या सुनाया है, सिर्फ ये बताया है कि एक्सचेंज वो प्रोसेस है जिसमें O2 और CO2 के बीच एक्सचेंज होता है, या तो ब्लड और एल्वियोलाई के बीच होता है, या तो ब्लड और टिश्यू के बीच होता है। दोनों जगह जब एक्सचेंज होगा तो आपसे पूछेगा कि प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज कौन सी है, तो क्या बताओगे, एल्वियोलाई। एक्सचेंज किस चीज के नाते होता है, तो आंसर देंगे प्रेशर ग्रेडियंट या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एक्सचेंज की प्रोसेस कौन सी है, सिंपल डिफ्यूजन या पैसिव ट्रांसपोर्ट। रेट ऑफ डिफ्यूजन किस पर डिपेंड करता है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड करता है तीन बातों पर, एक है प्रेशर ग्रेडियंट, एक है सॉल्युबिलिटी, और एक है क्या क्या, थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। मेन आंसर कौन सा है, तो मेन आंसर प्रेशर ग्रेडियंट है। प्रेशर ग्रेडियंट याद करने से पहले पार्शियल प्रेशर पता होना चाहिए। जब कभी कहीं गैस का मिक्सचर होता है तो किसी इंडिविजुअल गैस के प्रेशर को हम लोग कहते हैं क्या है, पार्शियल प्रेशर। जैसे O2 के लिए PO2 लिखोगे और CO2 के लिए PCO2 लिखोगे। अब O2 का पार्शियल प्रेशर हमको रटा होना चाहिए और CO2 का पार्शियल प्रेशर भी रटा होना चाहिए। O2 का पार्शियल प्रेशर कितना कितना ये आपको याद होना चाहिए, CO2 का कितना कितना ये आपको याद होना चाहिए। जब O2 CO2 का पार्शियल प्रेशर आप याद करोगे और उस पर नज़र डालोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो O2 का ग्रेडियंट है, जो O2 का ग्रेडियंट है वो कहाँ से कहाँ ले जा रहा है। अगर आप सिर्फ किसको देखो, ग्रेडियंट आप किसका देखो, O2 देखो, तो O2 कहां से कहां जा रही है, कहां से कहां, एल्वियोलाई टू कहां, और ब्लड से कहां। जबकि अगर हम ग्रेडियंट देखें किसका, अगर CO2 का ग्रेडियंट देखें तो CO2 कहां से कहां जाती है, टिश्यू से ब्लड, और ब्लड से कहां चला गया, एल्वियो लाई। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। एक चीज और समझो जरा, आपको एक चीज दिखाई पड़ जाएगी अभी। अगर आप क्वेश्चन पूछे
टू के एक्सचेंज के लिए पार्शियल प्रेशर में कितना अंतर होना चाहिए? तो देखो यहाँ कितने का अंतर है, यहाँ 104 है, यहाँ 40 है, तो डिफरेंस कितने का है? कितने का डिफरेंस है? डिफरेंस कितने का है? 64 mmHg का है। और यहाँ कितना है? 95। यहाँ कितना है? 40। तो डिफरेंस कितना है? डिफरेंस कितना है? 55। तो अगर आपसे क्वेश्चन पीछे O2 के ट्रांसपोर्ट या O2 के एक्सचेंज के लिए या O2 के डिफ्यूजन के लिए कितना पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट होना चाहिए, तो पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट कितना होना चाहिए? या तो 64 या तो 55। लेकिन CO2 का जरा देखो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे का कितना है, तो देखो यहां कितने का अंतर है बेटा, यहां यहां सिर्फ 5 का अंतर, और यहां कितने का अंतर है? तो आपको आश्चर्य नहीं लग रहा है कि O2 का जब हम डिफ्यूजन करते हैं तो ग्रेडियंट कितना है, या तो 64 या तो 55, और अगर CO2 का एक्सचेंज कर रहे हैं तो कितना, सिर्फ 5 का अंतर। ऐसा कैसे हो गया? बराबर का अंतर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो देखो क्या गड़बड़ी, ध्यान से सुनिएगा, होता क्या है कि CO2 जो ब्लड में आती है, CO2 जो ब्लड में आती है वो बहुत तेजी से डिजॉल्व होता है, जबकि O2 जो ब्लड में आती है वो उतना तेजी से डिजॉल्व नहीं होती है। तो अगर O2 और CO2 की तुलना की जाए सॉल्युबिलिटी की, तीन फैक्टर हैं, कौन कौन से? एक है प्रेशर ग्रेडियंट, एक है सॉल्युबिलिटी, एक है थिकनेस। अब सॉल्युबिलिटी का केवल असर देखिएगा बस। मान लेते हैं इधर देखिए, मान लेते हैं ये एल्वियोलाई है और ये ब्लड है, ठीक है। यहाँ O2 है, यहाँ CO2 है, यहाँ भी CO2 है और यहाँ O2 है। मान लेते हैं कि O2 यहाँ पर है 40 पर और यहाँ O2 है 41 पर। देखिएगा बेटा, यहाँ है ये 45 पर और ये है 44 पर। हम ये मान लेते हैं, ऐसा हो नहीं सकता है, हम अंदाजा लगा रहे हैं, मान लेते हैं ऐसा है। अभी हमने क्या माना है, देखिए O2 और यहाँ O2 के बीच कितने का अंतर रखा है? केवल एक का अंतर रखा है। और यहाँ भी कितने का अंतर रखा? एक का। अगर केवल 1 mmHg का प्रेशर डिफरेंस रखा जाए, ध्यान से सुनिएगा, अगर केवल 1 mmHg का प्रेशर डिफरेंस रखा जाए तो CO2 का डिफ्यूजन O2 की तुलना में बहुत ज़्यादा होगा, लगभग 20-25 टाइम ज़्यादा होगा। जानते हो क्यों? सॉल्युबिलिटी के नाते। CO2 की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या होगा? ज़्यादा। रेट ऑफ डिफ्यूजन इसका बहुत ज़्यादा ना हो, O2 के बराबर बना रहे, इसका क्या तरीका है? इसका एक ही तरीका है कि CO2 के लिए ग्रेडियंट कितने का रखो? केवल 5 का रखो, और O2 के लिए कितने का रखो? 64 का रखो। तो जो प्रेशर ग्रेडियंट से जो चेंज आया था उसको किससे कंपनसेट कर गए? सॉल्युबिलिटी से कंपनसेट कर गए। O2 के लिए ग्रेडियंट ज़्यादा है क्योंकि O2 की सॉल्युबिलिटी कम है, और CO2 के लिए ग्रेडियंट कम है क्योंकि सॉल्युबिलिटी क्या है? ज़्यादा है। घुमा फिरा के आपको क्या समझ में आना चाहिए? घुमा फिरा के ये समझ में आना चाहिए क्या? देखो, रेट ऑफ डिफ्यूजन का ऑफ CO2 क्या है? मोर देन O2। कब? एनसीईआरटी में लिखा है पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर। अगर 1 mmHg का प्रेशर डिफरेंस रखा जाए तो CO2 की सॉल्युबिलिटी का रेट ऑफ डिफ्यूजन, CO2 का रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा? ज्यादा होगा। किससे? O2 से। कितने गुना ज्यादा? लगभग 20-25 टाइम ज्यादा होगा। क्यों? इसका कारण आपको देना पड़ेगा, बिकॉज
विकाज क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 क्या O2, और भी कितना गुना? 22-25। तो अब आपको काम की बात समझ में आ जाती है, O2 के एक्सचेंज के लिए प्रेशर में कितने का अंतर, या तो 64 के लिए या तो 65, जबकि CO2 के लिए केवल 5 का अंतर। ऐसी नाइंसाफी क्यों? तो CO2 के लिए भी अगर उतना ही प्रेशर ग्रेडियंट रखते तो CO2 का रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता, जबकि उसको O2 के लगभग लगभग क्या रखना है, बराबर रखना है। तो एक काम करते हैं, O2 की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है तो प्रेशर ग्रेडियंट कम रखते हैं, और CO2 की सॉल्युबिलिटी कम है तो प्रेशर ग्रेडियंट ज़्यादा रखते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? O2 की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा तो प्रेशर ग्रेडियंट कम, और CO2 की पक्का उल्टा बोल रहे हैं, O2 की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा पक्का, O2 की सॉल्युबिलिटी कम तो प्रेशर ग्रेडियंट ज़्यादा, और CO2 की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा तो प्रेशर ग्रेडियंट कम। तो सारा खेल सॉल्युबिलिटी का है। तो घुमा फिरा करके आपको याद रखना चाहिए कि प्रेशर प्रेशर ग्रेडियंट फॉर O2 डिफ्यूजन कितना बेटा? तो या तो आंसर कितना मिलेगा 64, और या तो आंसर कितना मिलेगा 55। लेकिन अगर ये मिले प्रेशर ग्रेडियंट फॉर CO2 डिफ्यूजन, तो आंसर सिर्फ और सिर्फ कितना मिलेगा 5। ये नाइंसाफी क्यों है? सॉल्युबिलिटी के नाते। किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है? CO2 की। CO2 की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है तो प्रेशर ग्रेडियंट क्या है? कम। O2 की सॉल्युबिलिटी कम है तो प्रेशर ग्रेडियंट क्या है? ज़्यादा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो सॉल्युबिलिटी का असर समझ आ गया। किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा? CO2। किससे? O2 से। कितने गुना? 22-25 टाइम ज़्यादा है, और इसी नाते इसका प्रेशर ग्रेडियंट क्या है? CO2 से ज़्यादा। कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे बढ़े चलो। तो देखो क्या क्या अभी तक हमने पढ़ा है, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ इतना पढ़ा है कि एक्सचेंज का मतलब ये है कि ब्लड में O2 आए, ब्लड से CO2 निकल जाए। ये दो घटनाएं होती हैं, या तो एल्वियोलाई पर और या तो टिश्यू पर। अगर एल्वियोलाई और टिश्यू में से प्राइमरी साइट पूछे तो आंसर हम क्या देंगे? तो आंसर हम देंगे कौन सा? एल्वियोलाई की सरफेस। दूसरा सवाल है कि एक्सचेंज किस चीज़ के नाते हो जाता है? तो कहोगे प्रेशर ग्रेडियंट के नाते। किस प्रोसेस से होता है? तो आंसर देंगे सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन कहो, चाहे पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हो। अब प्रेशर ग्रेडियंट किसका कितना होता है, ये रटा होना चाहिए। तो किसका कितना होता है? O2 का एटमॉस्फेयर में 159, और एल्वियोलाई पर 104, डी ऑक्सीजनेटेड में 40, ऑक्सीजनेटेड में 95, और टिश्यू पर कितना? 40। और CO2 का जरा बताओ, एटमॉस्फेयर में 0.3, और एटमॉस्फेयर के बाद फिर क्या आएगा? एल्वियोलाई पर 40, एल्वियोलाई पर 40, डी ऑक्सीजनेटेड पर 45, ऑक्सीजनेटेड में 40, और टिश्यू पर 45। तो अगर हम सिर्फ O2 का ही देखें तो O2 कहाँ कहाँ जाएगी? एल्वियोलाई से ब्लड, और ब्लड से टिश्यू। और CO2 का देखें तो टिश्यू से ब्लड, और ब्लड से एल्वियोलाई। ठीक है, बस इतना। एक और क्वेश्चन है, किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है? CO2 की। इसी नाते रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CO2 किससे ज़्यादा है? O2 से। कितने गुना ज़्यादा है? 22-25 टाइम। लेकिन ये तभी ज़्यादा होगा जब पर यूनिट डिफरेंस रखोगे। क्या रखोगे? पर यूनिट डिफरेंस रखोगे। ये देखो यहाँ लिखा है, पर यूनिट डिफरेंस। ठीक है, आगे बढ़े।
रेट ऑफ CO2 एक्सचेंज मोर देन रेट ऑफ क्या O2 एक्सचेंज, बस ये हम तभी कहेंगे जब पर यूनिट क्या होगा डिफरेंस होगा। तीसरा जो फैक्टर है वो फैक्टर कौन सा है, वो है थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। जरा देखो हम एल्वियोलाई को सिर्फ देखेंगे, अगर हम लोग एल्वियोलाई पर देखें तो एल्वियोलाई की जो लेयर है वो तो बहुत पतली होती है, अब देखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि O2 यहां से निकल के यहां आती है और CO2 यहां से निकल के यहां जाती है, तो ये इसकी डिफ्यूजन क्या है मेम्ब्रेन है, ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है, ये क्या है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे डिफ्यूजन मेम्ब्रेन किसकी बनी है, तो आप कहोगे तीन लेयर की बनी है, और कौन जरा देखो, तो देखो एक लेयर ये है, एक लेयर ये है और एक लेयर ये है, यही तो तीन लेयर हैं। ये लेयर क्या है, ये है थिन स्क्वामस इपिथीलियम, किसकी एल्वियोलाई की, और ये है इंडोथीलियम, किसकी एल्वियोलर कैपिलरी, और ये है बेसमेंट सब्सटेंस, या इसको मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब देखिएगा अगर O2 को यहां से यहां आना है तो सबसे पहले किसको पार करना पड़ेगा, थिन स्क्वामस एपिथीलियम, फिर बेसमेंट और फिर एंडोथीलियम, और CO2 को यहां से यहां जाना तो सबसे पहले फिर तो तीन लेयर कौन कौन सी हैं, तो एक का नाम क्या है थिन स्क्वामस एपिथीलियम, एक का नाम क्या है बेसमेंट, और एक का नाम क्या है एंडोथीलियम। तीनों की मिला करके थिकनेस होती है वो होती है लेस देन 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर से कम होती है। 1 मिलीमीटर से कम होने का मतलब इसकी वैल्यू एग्जैक्ट 0.5 मिलीमीटर होती है। बस तीन ही क्वेश्चन यहां है, अगर क्वेश्चन पूछेगा एल्वियोलाई की सरफेस पर जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है वो कितनी लेयर की बनी है, तो आप आंसर दोगे तीन लेयर की, कौन कौन सी, तो आंसर देंगे थिन स्क्वामस एपिथीलियम ऑफ एल्वियोलाई, एंडोथीलियम ऑफ कैपिलरी एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन देम, दोनों के बीच ही तो है, और इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, तो आंसर है लेस देन 1 मिलीमीटर, एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होती है ध्यान से सुनेंगे, आप इमेजिन करो अगर थिकनेस बढ़ा दी जाए, तो अगर थिकनेस बढ़ा दोगे तो रेट बढ़ेगा कि घटेगा, रेट घट जाएगा, तो ये याद रखिएगा अगर इंक्रीज कर दी जाए क्या थिकनेस, तो घट जाएगा क्या रेट ऑफ डिफ्यूजन, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा कि घटेगा ये डिपेंड करेगा कई बातों पर, सबसे पहले किस पर डिपेंड करेगा प्रेशर ग्रेडियंट पर, ग्रेडियंट का असर देख ही चुके हो, एक के लिए 55 का है एक के लिए 5 का है, दूसरा सॉल्युबिलिटी का असर पड़ेगा, CO2 की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है और O2 की कम है, और तीसरा किसका असर पड़ेगा
थिकनेस का, तो थिकनेस दोनों के लिए सेम है, जो O2 के लिए वही किसके लिए, CO2 के लिए। हाँ, अगर थिकनेस बढ़ाओगे तो रेट क्या कर जाएगा, घट जाएगा। जरा एक बार NCERT से पढ़ो, फिर हम पढ़ाते हैं। हो गया, देखो NCERT में देख लेते हैं। देखो कैसे इसी बात को NCERT में लिखा है, लिखा है पहली बात कि एल्वियोलाई आर प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो पहली लाइन तो यही टिक कर लीजिए, यही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज आल्सो कहाँ होता है, ब्लड और टिश्यू में होता है। दूसरा, O2 और CO2 का एक्सचेंज किस प्रोसेस के द्वारा होता है, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा, मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। फिर लिखा है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस और थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो अफेक्ट करेंगे किसको, रेट ऑफ डिफ्यूजन को। फिर देखो क्या है लिखा है, ये तो पार्शियल प्रेशर कहानी है, प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाई इंडिविजुअल गैस इन मिक्सचर, इसको कहते क्या है, पार्शियल प्रेशर। और PO2 किसके लिए, O2 के लिए, PCO2 किसके लिए, CO2 के लिए। पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज टू गैसेज इन एटमॉस्फेरिक एयर सबका टेबल में दिया है, तो टेबल देख लेते हैं। देखो एटमॉस्फेरिक में ये 159 है, 104 है, 40 है, 95 है, 40 है, जबकि CO2 देखें एटमॉस्फेयर में 0.3 है, फिर ये 40 है, 45, 40 और 45। CO2 याद रखना बहुत आसान है, 40 45 40 45, ठीक है। फिर देखो काम की बात यहाँ शुरू होती है, अगर इस डाटा को ध्यान से देखें तो कह रहा है क्लियरली ये इंडिकेट करता है कि जो ऑक्सीजन का ग्रेडियंट है, किसका, ऑक्सीजन का ग्रेडियंट है, वो कहाँ से कहाँ है, एल्वियोलाई से ब्लड
और ब्लड से टिश्यू, कोई दिक्कत तो नहीं देखो। और इसी तरीके से CO2 का अगर हम ग्रेडियंट देखें तो वो अपोजिट दिशा में, अपोजिट का मतलब टिश्यू से कहाँ शुरू होगा, ब्लड तक, और ब्लड से कहाँ तक, एल्वेई, तो उल्टा हो गया बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 कितने गुना ज़्यादा है, 22-25 टाइम, किससे ज़्यादा है, O2 से। बस फर्क ज्यादा कब, इसी नाते देखो लिखा है अमाउंट ऑफ CO2 डिफ्यूज थ्रू डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, ये क्या लिखा है, पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर इज हाइयर एज कंपेयर्ड ऑफ O2। ये हाई तब होगा जब एक यूनिट का अंतर रखेंगे, और अगर अंतर ज्यादा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा ना। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन मेडअप ऑफ थ्री मेजर लेयर, कौन सी, थिन स्क्वामस एपिथीलियम ऑफ एल्वियोलाई, एंडोथीलियम ऑफ कैपिलरी, और बेसमेंट सब्सटेंस। और बेसमेंट सब्सटेंस क्या, ये देखो, तो बेसमेंट सब्सटेंस के बारे में लिखा है कि थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन है जो सपोर्ट करेगी किसको, स्क्वामस एपिथीलियम, ये वाली जो है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन जो सराउंड करेगी सिंगल लेयर किसकी, एंडोथीलियल सेल, कहाँ की, कैपिलरी। तो कैपिलरी की एंडोथीलियल सेल को भी सपोर्ट करेगी और स्क्वामस एपिथीलियम को भी सपोर्ट करेगी, कौन, बेसमेंट। देखो लिखा है टोटल थिकनेस इज लेस देन क्या, ए मिलीमीटर, मतलब 1 मिलीमीटर। इसी नाते सारे फैक्टर हमारी बॉडी में हैं वो फेवरेबल हैं किसके लिए, डिफ्यूजन ऑफ O2 कहाँ, एल्वियोलाई से घुमा फिरा कहाँ पहुँचाओ, और CO2 कहाँ से कहाँ, टिश्यू से घुमा फिरा करके कहाँ तक, एल्वियोलाई तक। इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है कौन सी, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। तो इंट्रोडक्शन तो देख ही लेते हैं। देखें इधर, देखें ये मान लेते हैं कि एल्वियोलाई है और ये मान लेते हैं टिश्यू है। आपको करना क्या है, करना सिर्फ इतना है कि यहां से यहां, करना यह है कि जो O2 है वो यहां से यहां, मतलब ब्लड में आएगी, ब्लड में आ गई, ठीक है, फिर O2 ये घूम करके यहां पहुंचेगी और O2 निकल के किसको मिल जाएगी, टिश्यू को मिल जाएगी, इतने तो हो रहा है। और CO2 का देखो, CO2 निकल के बाहर आएगी और फिर घूम करके यहाँ पहुँचेगी और फिर कहाँ चली जाएगी, एल्वियोलाई में चली जाएगी। तो हमको ये हमने पढ़ लिया है, ये भी हमने पढ़ लिया है, हमको ये पढ़ना है कि लंग्स की सरफेस से O2 ले करके कहाँ तक आओ, टिश्यू के सरफेस तक आओ, और टिश्यू के सरफेस से CO2 ले करके कहाँ तक आओ, लंग्स। इधर से इधर हमको क्या लाना है, O2 लाना है, तो इधर से इधर क्या पढ़ेंगे, O2 ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, और इधर से इधर क्या ले जाना है, CO2 ले जाना है, तो क्या पढ़ेंगे, CO2 ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। तो हमको दो चीजें पढ़नी है, O2 ट्रांसपोर्ट भी पढ़ना है और CO2 ट्रांसपोर्ट भी पढ़ना है। O2 ट्रांसपोर्ट कहां से कहां करना है, एल्वियोलाई से ब्लड, और CO2 ट्रांसपोर्ट, अच्छा, अरे O2 ट्रांसपोर्ट करना है एल्वियोलाई से टिश्यू तक, और CO2 ट्रांसपोर्ट टिश्यू से एल्वियोलाई तक, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज किसके द्वारा करोगे, तो किसके द्वारा करोगे, तो आंसर देंगे ब्लड के द्वारा करोगे। जैसे बोलोगे ब्लड, वैसे एग्जामिनर पूछेगा ब्लड में किससे करोगे, ब्लड में करने का तरीका क्या है, तो या तो फिर आरबीसी से कर लो, या तो डब्ल्यूबीसी से कर लो, या तो प्लेटलेट से कर लो, या तो प्लाज्मा से, चार ही कंपोनेंट तो हैं वहाँ, तो किससे करते हैं, तो ब्लड में दो चीज़ों से करते हैं, एक किससे करते हैं, आरबीसी,
और एक किससे करते हैं? प्लाज्मा। अब आरबीसी में किससे करते हैं? तो आंसर क्या देंगे? हीमोग्लोबिन। तो चाहे O2 O2 का ट्रांसपोर्ट करना हो, दोनों किससे करेंगे? ब्लड। और दोनों किससे करेंगे? आरबीसी से। और दोनों किससे करेंगे? प्लाज्मा। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि आरबीसी या हीमोग्लोबिन किसका ट्रांसपोर्ट करेगा, O2 का किस O2 का, तो ये O2 का भी करेगा और CO2 का भी करेगा। पहले O2 देख लेते हैं। अगर O2 ट्रांसपोर्ट में आप पूछा जाए तो होता ये है कि O2 O2 कितना, 97% O2 ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। किसके द्वारा? आरबीसी। वहां से आवाज आ रही है? आ रही है? नहीं आ रही है? वहां से ट्रांसपोर्ट बाई आरबीसी। और आरबीसी ना मिले तो हीमोग्लोबिन, वो भी किस फॉर्म में? एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो बची कितनी? ये भी तो ट्रांसपोर्ट की जाएगी। तो आंसर देंगे क्या? ट्रांसपोर्ट बाई प्लाज्मा। जैसे कहोगे प्लाज्मा वैसे पूछेगा कैसे, तो कहोगे डिजॉल्व O2। ठीक है, इसी तरीके से, इसी तरीके से CO2 ट्रांसपोर्ट। तो अगर CO2 ट्रांसपोर्ट पूछेगा तो देखो कितना होता है। पहले तो 22-25% CO2 ट्रांसपोर्ट की जाएगी बाई आरबीसी या हीमोग्लोबिन। किस फॉर्म में? किस फॉर्म में? नहीं, कार्बोक्सी नहीं होता है। किस फॉर्म में? इसका नाम है कार्बामीना हीमोग्लोबिन। क्या नाम है? कार्बामीना हीमोग्लोबिन। बचा कितना? बचा है 72-75% CO2, ये ट्रांसपोर्ट की जाएगी किसके द्वारा? तो आंसर देंगे प्लाज्मा के द्वारा। किस फॉर्म में? एज बाई कार्बोनेट आयन। किस फॉर्म में? बाई कार्बोनेट आयन मतलब SCO3-। बचा कितना? सेवन परसेंट CO2। ये भी प्लाज्मा के द्वारा होता है। बस कैसे? किस फॉर्म में? डिजॉल्व CO2। तो CO2 का ट्रांसपोर्ट तीन तरीके से, एक O2 का ट्रांसपोर्ट केवल दो तरीके से। तो सिर्फ डाटा है, रटना है आपका कि O2 का ट्रांसपोर्ट का 97% किसके द्वारा? आरबीसी। और 3% किसके द्वारा? O2 के द्वारा। जबकि इसका 20-25% आरबीसी के द्वारा, 70-75% प्लाज्मा के द्वारा, और 70% फिर प्लाज्मा के द्वारा। लेकिन ये प्लाज्मा में कैसे है और ये प्लाज्मा में कैसे है? डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मैक्सिमम O2
मैक्सिमम ओ टू ट्रांसपोर्टेड, तो आंसर क्या दोगे? तो एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और फिर क्वेश्चन पूछे मैक्सिमम CO2 ट्रांसपोर्ट, तो एज बाई कार्बोनेट आयन। ये दो क्वेश्चन खूब पूछ जाते हैं, मैक्सिमम O2 का ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होगा या मैक्सिमम CO2 का ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होगा, तो आंसर हम लोग क्या देंगे? आंसर देंगे O2 का ट्रांसपोर्ट ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में और CO2 का ट्रांसपोर्ट बाई कार्बोनेट के फॉर्म में। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब RBC, मतलब किस किसके साथ चल रहा है? RBC के साथ चल रहा है, और ये किस में है? तो फिर दूसरा सवाल मिल गया, मैक्सिमम O2 का ट्रांसपोर्ट RBC के द्वारा होता है जबकि मैक्सिमम CO2 का ट्रांसपोर्ट किससे होता है? प्लाज्मा के द्वारा होता है। जरा पढ़ो, देखो कैसे लिखा हुआ है, लिखा है ब्लड इज द मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2, O2 का ट्रांसपोर्ट या CO2 का ट्रांसपोर्ट ब्लड के द्वारा होगा, एक क्वेश्चन। फिर लिखा है 97% O2 किसके द्वारा? RBC के द्वारा। तो 3% O2 किसके द्वारा? डिजॉल्व स्टेट, किसमें? प्लाज्मा। 20-25% RBC के द्वारा, जबकि 70-75% तक किसके द्वारा? बाइकार्बोनेट। और 7% CO2 किस फॉर्म में? डिजॉल्व स्टेट, कहाँ? प्लाज्मा। बस आज इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत